बर्दाश्त करोगे तो हक नहीं मिलेगा, चुप रहोगे तो कोई नहीं सुनेगा, सोए रहोगे तो सब खो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र में निभाइए अपना रोल। जनशक्ति मैग्नीज मजदूर संघ ने उकवा में किया धरना प्रदर्शन। मायल नगरी उकवा में जनशक्ति मैग्नीज मजदूर संघ ने आज सुबह 6 बजे से ही धरना प्रदर्शन चालू कर दिया है। कामगार कर्मचारियों ने अपनी लंबित वेतन समझौते को लेकर परेशानी बताई। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों से कहा जा रहा है कि आपकी वेतन वृद्धि कर दी जाएगी, परंतु आज दिनांक तक वेतन वृद्धि नहीं की गई। इसलिए जनशक्ति मैग्नीज मजदूर संघ ने धरना प्रदर्शन किया और कल 26 और 27 सितंबर को बालाघाट में धरना प्रदर्शन करेंगे। इसी प्रकार मॉयल अधिकारी समीर बैनर्जी का कहना है कि 1 महीने के अंदर इनकी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन सिर्फ मॉयल कामगारों की इस प्रदर्शन में शामिल कुछ बाहरी व्यक्ति भी है जिन्हें हम नहीं जानते। हमने हमारे कर्मचारियों को आश्वासन दे दिया है कि आपकी वेतन वृद्धि जल्द ही बढ़ा दी जाएगी। मजदूर संघ नागपुर के माध्यम की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या मांग रखे हैं आपने? 4 साल से जो वेतन संघर्ष लंबित है, जो आज तक नहीं आया, जिसका 1.5 साल हो गया, अप्रूवल दिल्ली गया हुआ है, वो इतना विलम्ब होने की वजह से जो आर्थिक नुकसान कामगार कर्मचारियों को हो रहा है, उसको देखते हुए ये धरना प्रदर्शन रखा गया है। इस धरने प्रदर्शन के पहले संघ जो है डिप्टी CNC भी गया, अपनी बात को लेकर के प्रबंधन तक भी गया, CNC छिंदवाड़ा भी गया, लेकिन कहीं से भी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसलिए हमको शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करना मजबूर है। यहाँ पे जो नागपुर से पर्सनल ऑफिसर आए हैं, उनका कहना ये है कि इसकी पूरी कार्रवाई हो चुकी है, जो 1 महीने में लगभग ये हो जाएगा। इसमें आपको जानकारी नहीं थी? इसकी जानकारी थी, उन्होंने ये नहीं कहा कि 1 महीने में हो जाएगा। अभी विगत 20 तारीख सितंबर को छिंदवाड़ा AMC में हमारी सुनवाई थी, जहाँ प्रबंधन की तरफ से समीर बैनर्जी साहब आए थे और उन्होंने, उनके सामने ये बात हुई। उन्होंने कहा, हमने उनसे वही पूछा कि आपका अप्रूवल जो है इनका समझौते का कब तक पहुँच जाएगा, उन्होंने इसका कोई भी जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि 1 महीने भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकता है, 3 महीने भी लग सकता है। हमने उनसे बार बार निवेदन किया AMC के सामने, लेकिन जब उन्होंने इसका कुछ भी सही जवाब नहीं दिया, तब हमने वहाँ से प्रोसीजर को छोड़कर हम वापस आ गए। ये धरना कब तक रहेगा आपका? सर, ये धरना आज 25 तारीख को उकवा में है जी, 26 और 27 को बालाघाट पे जाने पे रहेगा, और वहाँ पर भी अगर अप्रूवल की तारीख प्रबंधन के द्वारा नहीं बताई जाती है जी, तो ये धरना जो है लगातार प्रत्येक खदान में चलेगा। थैंक यू। आश्वासन देते हैं कि करीब करीब मामला जो है वेज एग्रीमेंट का वो सुलझने के इसमें है, जल्द से जल्द अप्रूवल आ जाएगा, और ऐसा पूरा उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर अप्रूवल आएगा। ये मैं आप हमारे कामगार कर्मचारी को बता रहा हूँ, क्योंकि इनके यूनियन में अधिक से ज़्यादा बाहरी लोग हैं, तो मैं उनको बिल्कुल एंटरटेन नहीं करना चाहता, और मेरा मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं उनसे बात करना। मैं हमारे जो कामगार कर्मचारी हूँ उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप इनके बहकावे में ना आए। ऐसा भी हो सकता है, अगर आप इस तरीके से गतिविधि करोगे तो हो सकता है भारत सरकार कुछ और भी निर्णय ले ले। मैं आपको बताता हूँ, कुछ कंपनी ऐसी है जिनमें इस तरीके से डिस्प्यूट था, तो कंपनी ने, भारत सरकार ने उसको प्राइवेट कर दिया है। तो ऐसा ना हो कि कुछ और भी इनको उसका खामियाजा भुगतना पड़े। ठीक है, ये मैं ये कह रहा था, जैसे कल का इनका कार्यक्रम है धरना प्रदर्शन का, जैसे आज अगर इनको आश्वासन दे दिया जाता है तो शायद ये कल वहाँ ना करें। बता दिया मैंने, इनको आश्वासन कामगार कर्मचारी को हमने दे दिया है, और हम आपके माध्यम से भी बताना चाहते हैं कि लगभग अप्रूवल अपने अंतिम चरण पर है, 1 महीने के अंदर अप्रूवल आने की पूरी संभावना, ये हम आश्वासन दे रहे हैं जी। थैंक यू।